अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है अंकल? सब खैरियत से है बेटा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिर्जा नईम बेग बेटा। किसके साथ आए हैं आज चिड़ियाघर? फैमिली के साथ आए हैं, वो बच्चे वो हैं। आपके बचपन में जू था? बेटे मैं यहाँ से 1965 से आ रहा हूँ भाई। इस वक्त दो एलिफेंट होते थे, एक रुपया होता था सवारी का हाथी का। पूठा खा के ना भाग के स्कूल से इधर चिड़ियाघर आते थे, डबल डेकर बस चलती थी। अरे वाह। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाथी की सैर करने के लिए आते, बस हफ्ते में दो दफा आते थे हम। अच्छा, तो यहाँ पे कितने जानवर होते थे? यहाँ पे इससे ज्यादा थे, अब नहीं, अब मजा नहीं है। बल्कि अब ये नया बनाया वो इसमें वो चीज नहीं नजर आ रही जो पहले वाला चिड़ियाघर था ना। हाँ। वो वाली बात खत्म होगी इसके अंदर। टाइलें हैं, फर्शी है और कुछ नहीं है, बस टाइलें नजर आ रही हैं। टाइलें नजर आ रही, तो बोर्ड का दरख्त है 400 साल पुराना, उसको भी काट के खत्म कर दिया उन्होंने। काट दिया हुआ है? ये बहुत बड़ा दरख्त है, आपको पता ही नहीं है कितना बड़ा दरख्त है ये। हमने तो जानवर ही देखे यहाँ पर आके। कौन से जानवर है? पुराने जानवर है ना, यहाँ पे एलिफेंट है ना इसमें वो नहीं। अपने बचपन में तो जानवर ही देखे थे, अब थे तब सूजी होता था, सारा जानता है। यहाँ पे एक सूजी होती थी हाथी और एक लक्की होती थी, एक रानी भी होती थी। रानी भी होती थी। ये दौर है यहीया खां का, यूब खां का और ये ज़ियाउल्लाह का। हाँ जी, उस दौर में मुझे बताएं कि अब आप इन्होंने टिकट की है। छोटा सा बच्चा पैदा उसका भी 100 रुपया, जो मेरे जैसा उसका भी 100 रुपया, जो गोद में उसका भी। हाँ जी, 100 रुपए से कम कोई टिकट है? इस बच्चे का भी 100 रुपया ले रहे हैं ये। इन्होंने हमें दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। जाके आइसक्रीम खाएं, 130 रुपए की आइसक्रीम है, उसका पाउडर वाला मिल्क है, स्मेल आ रही है उसके अंदर आइसक्रीम में। हाँ भी खाई मैंने, फेंक दी उसको, खाई नहीं मैंने। वापस कर देते आप? मैं क्यों वापस करूँ, उन बेचारों का रोजगार है। यहाँ पे पता कितना कितना बड़ा ठेका होता है, लाखों के हिसाब से होता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बताएं कि वैसे आपको जानवर पसंद है? बेटे जानवर पसंद है, लाइन का जो था वो सारा सिस्टम जो उसका होम था घर था वो शीशे से लगा दिए हैं। पहले ये होता था 100 आदमी 200 आदमी खड़े होकर देखता था, आसानी के साथ देख लेता था। अब वो शीशा है, इतना सा बना दिया ड्रामा करके, वो शीशे के आगे 10-12 आदमी खड़े होते हैं, बाकी नज़र ही कुछ नहीं आता। फिर परली तरफ जाओ, उधर से जाके शेर को ढूंढो, पहले सरेआम शेर नज़र आते थे, अब क्या है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना हाथी है ना कुछ है, वो हिप्पो है। वो अब आज बारिश इतनी हुई है वो नज़र ही नहीं आ रहा। खैर से अल्लाह गया और डुबकी गया, तालाब च रुड़ गया, डूब गया। मेरा पुत्र मैं बड़ी चंगी तरह ना जानना चिड़ियाघर नु। अच्छा। हाँ मैं जमिया चिड़ियाघर जी है समझ लो। हाय की गल कर रहे हो तुसी, साढ़े आधा गला दू। मैं इनू बहुत पुराना जानना। अच्छा, हुण मजा ही नहीं आ रहा। पहली दफा आप किसके साथ आए थे चिड़ियाघर? ਪੁੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਬੁੱਟੇ ਬੁੱਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਟਾ ਮਾਰਾ ਆਪਨੇ? ਫੁੱਟਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਫੁੱਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੁੱਟਾ ਮਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਫੁੱਟਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਤੇ, ਐਸੇ ਨਿਕਾਲਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤੋਂ ਕੇ ਡੌਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਅਭੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਭੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਨਕੇ ਆਪ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੋ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਬੇਕਾਰ ਖਾਣੇ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਓ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੈਫ ਹੂੰ। ਆਪ ਪਾਏ ਅੱਛੇ ਬਣਾਤੇ? ਪਾਏ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਆਪ? ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਲਾਓ सारा कुछ, जरदा दाल चावल भिंडी तो बना लेते हैं। ए टू जेड किसी से सीखा भी नहीं। ए अकेले रहते थे आप पहले बचपन में? नहीं, बच्चों के घर के साथ ही होता था, लेकिन जो शेफ है ना ये कुकिंग, ये तकरीबन आई है मुझे अबाव 45 ईयर। अच्छा, अब तब आपको कोई काम नहीं था करने के लिए तो आपने कुकिंग सीख ली? बैठे पढ़ते थे, सारा कुछ करते थे। काम क्या करते हैं आप? बेटे मैं अब रिटायर हो गया हूँ। कहाँ से? रेलवे से। रेलवे से? रेलवे की तो अपनी हालत बड़ी बुरी है। पैसे नहीं है, साढ़े पैसे नहीं लगे सालू। कौन से पीएफ? छोड़े उस बात को, छोड़े उस बात को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
वैसे आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। बुज़ुर्ग हज़रात जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो उनके अंदर बचपना ही नज़र आता है। इन्होंने भी अपने वाकया सुनाए कि चिड़ियाघर वो फूटा मार के आए थे, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा भूटा खा कर आए थे, फूटा मार के आए थे यहाँ पर और हाथी की सैर करते थे। 1 रुपये टिकट होती थी और अब जो है वो टिकट आपको पता है 100 रुपये की होगी। या जाहिर है लोगों के लिए 100 रुपये भी मैटर करते हैं, जो मेहनत से कमाता है उसके लिए 100 रुपये भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं।